नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। इस वीडियो में मैं आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के शुभ निवेश इंश्योरेंस प्लान जो कि एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है के विषय में जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि SBI लाइफ शुभ निवेश में टर्म राइडर्स ऑप्शन क्या होता है, कैसे यदि हम पॉलिसी लेते समय टर्म राइडर ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क कवर बड़ा हो जाता है, किसी अनहोनी की स्थिति में किस तरीके से हमारे परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है। यदि आपने SBI लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान को ले रखा है या फिर लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको टर्म राइडर ऑप्शन के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि आपको जानकारी प्राप्त नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको कौन सा टर्म राइडर लेना चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉलिसी लेते समय आपको किस तरीके का टर्म राइडर का ऑप्शन लेना चाहिए और टर्म राइडर का ऑप्शन का चुनाव करने पर आपको लाभ होता है या नहीं होता है यह सुनिश्चित करने में आपको आसानी हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SBI लाइफ शुभ निवेश में टोटल तीन तरीके का राइडर ऑप्शन होता है, जिसमें पहला ऑप्शन SBI लाइफ प्रीफर्ड टर्म राइडर का होता है। SBI लाइफ प्रीफर्ड टर्म राइडर में आप कम से कम 25,000 रूपए और अधिक से अधिक 50,00,000 रूपए तक का सम अश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं जो कि पॉलिसी लेते समय ही चुनाव करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई व्यक्ति 10,00,000 तक का इंश्योरेंस प्लान लेता है और प्लान लेते समय वह अपने लिए 10,00,000 रूपए का प्रीफर्ड टर्म राइडर ऑप्शन का चुनाव करता है और दुर्भाग्यवश पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10,00,000 रूपए बीमा राशि का प्लस में 10,00,000 रूपए प्रीफर्ड टर्म राइडर का यानी कि टोटल 20,00,000 रूपए का भुगतान डेथ बेनिफिट के रूप में कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन SBI लाइफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का होता है। यदि आप पॉलिसी लेते समय इस राइडर ऑप्शन का चुनाव करते हैं और पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10,00,000 रूपए बीमा राशि का प्लस में वह राशि जितने का उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऑप्शन लिया था उसका भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन SBI लाइफ एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का होता है, जिसके तहत यदि पॉलिसी टर्म के बीच पॉलिसी होल्डर किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण उसमें कमाने की क्षमता नहीं रहती तो उस कंडीशन में पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर द्वारा एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर के तहत जितने का सम अश्योर्ड लिया गया था उसका भुगतान कर दिया जाता है और पॉलिसी टर्म के अंत तक कंटिन्यू चलती रहती है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी लेते समय इन तीन राइडर वाले ऑप्शन में से कितने ऑप्शन का चुनाव करते हैं। मेरी आप लोगों से पर्सनली तौर पर सलाह है कि यदि आप किसी भी इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं और प्लान लेते समय आपको टर्म राइडर ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है तो आप टर्म राइडर का ऑप्शन जरूर लें, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि पॉलिसी टर्म के लिए एक बड़ी राशि का लाइफ कवर का आनंद हम ले सके। अब हम मान लेते हैं कि यदि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय इन तीनों राइडर का चुनाव किया और तीनों राइडर में सम अश्योर्ड 10,00,000 रूपए का है तथा बीमा राशि भी 10,00,000 रूपए की है और पॉलिसी टर्म के बीच में यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 10,00,000 रूपए बीमा राशि का प्लस में 10,00,000 रूपए प्रीफर्ड टर्म राइडर का प्लस में 10,00,000 रूपए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का दे दिया जाता है। तो देख सकते हैं एक ही सिंगल पॉलिसी में राइडर का चुनाव करने के बाद आपके ऊपर जोखिम
का जो अमाउंट होता है वह कितना बड़ा हो जाता है, जो किसी अप्रिय घटना की स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने आगे की जिंदगी को सुचारू रूप से व्यतीत कर सके। तो इसलिए यदि किसी पॉलिसी को लेते समय हमें राइडर का ऑप्शन मिलता है तो हमें राइडर ऑप्शन का चुनाव जरूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ चुके होंगे कि राइडर ऑप्शन पॉलिसी टर्म के बीच में आपको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है और राइडर ऑप्शन का चुनाव करने से आपको क्या लाभ होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।